जो हमारे जनता दल यू के दो उम्मीदवार होंगे, जो जमशेदपुर पश्चिमी और धमार विधानसभा क्षेत्र से, वो दोनों तो निश्चित जीतेंगे और उनके साथ ही अधिकांश एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे और स्वाभाविक रूप से वहां भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और हम समझते हैं कि अब तो कम ही दिन बच गया है, 23 तारीख को शायद गिनती है, 23 नवंबर को सारे नतीजे आ जाएंगे, उस दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाए। जेएमएम और कांग्रेस ने तेजस्वी को पूछा तक नहीं सीट बंटवारे की नाराजगी। नहीं, ये तो अब उन लोगों के आपस की बात है, अब वो लोग उसको सलटने की व्यवस्था करेंगे या जो उचित समझेंगे। हर दल स्वतंत्र होता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या अपनी समझदारी से काम करने के लिए। हालांकि हम लोग की जो सोच है कि उस हिसाब से जब सिद्धांतों में एकता नहीं होती है या आपस में समझदारी का अभाव होता है, तभी ऐसी स्थिति आती है। और अगर ऐसी स्थिति बिल्कुल सतह पर हो, यानी सार्वजनिक हो, तो वो गठबंधन सही मायने में बिल्कुल कमजोर और बिना किसी काम के होता है। और जब उन लोगों ने स्वयं अपने निर्णयों से या अपने आचरण से बता दिया है कि हम लोग की समझदारी आपस में बराबर नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि जब जो दूसरे महागठबंधन या जो भी उनका नाम है, जब दलों के बीच आपसी समझदारी ही नहीं है, आपस में ही बिखराव है, अभी से टूट के लक्षण दिख रहे हैं, तो ऐसे गठबंधन पर झारखंड की जनता कैसे भरोसा करे? यह तो किसी के समझने की बात है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वहां पर हम लोगों का, मतलब एनडीए का, बीजेपी के नेतृत्व में जीत अभी से ही सुनिश्चित होती है। एक आदमी बेलागंज सीट को लेकर सवाल उठ रहा है कि जिनके चुनाव प्रचार में, तो स्वाभाविक रूप से वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो करेंगे, इसका फैसला वो स्वयं लेंगे। लेकिन मांग इसकी अभी से हो रही है, जो दूसरे दल के उम्मीदवार हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो भी उनके मतलब चुनाव प्रचार में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं। हम लोगों के दल के तरफ से भी अनुरोध है, हमारे उम्मीदवार के तरफ से भी अनुरोध है। और इस पर आगे आने वाले समय में जब चुनाव प्रचार या अभियान की गतिविधियां तेज होगी, तब मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय लेगी। एक आदमी बताइए, विपक्ष बड़ा सवाल उठा रहा है, ऐसी क्या वजह है जो एनडीए की तरफ से झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू को सिर्फ दो ही सीट मिली? सिर्फ क्यों लगाते हैं? दो सीट मिली और हम लोग इससे कोई एतराज नहीं किया है। और हम, ये स्वाभाविक बात है कि जब आपस में तालमेल की बात चल रही थी, सीटों के बंटवारे पर बात चल रही थी, तो हम लोगों की तरफ से हम लोग 5 सीट पर लड़ने की इच्छा हम लोगों ने व्यक्त की थी। और वहां के स्थिति के हिसाब से फिर जो भाजपा या अन्य दलों के साथ जो सहमति बनी, तो दूसरे दलों को भी उसमें सम्मिलित करना था, इसलिए अंत में हम लोगों को 2 सीट पर राजी होना पड़ा। लेकिन अब
जब एक बार हम लोग राजी हो गए तो अब तो गठबंधन में पूरी तरीके से मजबूती से हम लोग काम करेंगे। इच्छा तो जरूर थी ज्यादा सीट लड़ने की और हम लोगों ने मांग भी की थी, हम चाहते थे कि हमारे दल के कई साथी कई विधानसभा क्षेत्र में उन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी और वो मजबूती से चुनाव भी लड़ते। लेकिन जहां इस प्रकार का गठबंधन होता है वहां कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है, वो मतलब बृहत राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समझौता करना पड़ता है। सर, बीजेपी से सांसद है प्रदीप सिंह, कह रहे हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू ही बनना होगा। अब सवाल है कि ये हमारा संविधान कहता है, हमारी पार्टी कहती है, हमारे नेता कहते हैं कि बिहार के किसी हिस्से में किसी जात धर्म के लोग पूर्ण आजादी के साथ पूर्ण सुरक्षित ढंग से जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र हैं, और अगर इस पर कहीं से कुछ कुठाराघात होता है तो सरकार बिहार सक्षम है और वो उस हिसाब से कार्रवाई करती है। अब बाकी सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई दूसरी सोच है तो ये आप पर निर्भर करता है जो आप किसको बढ़ावा देना चाहते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा, आप लोग भी सोचिए। सर, बीरागंज सीट को लेकर सवाल उठ रहा है कि जिनके घर पर एनआईए का रेड हुआ उनको टिकट दिया गया। अरे सवाल वहाँ के जनता की मांग थी ना, हमारे वर्करों की चाहत थी, वहाँ के जनता ने मांगा है और वो एक वैधानिक प्रक्रिया है, जो जांच एजेंसी है उसने छापा मारा है। अब वो जो तथ्य इकट्ठे किए होंगे उस पर वो अभियोग लगाएंगे, ये अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखेंगे और जब तक न्यायालय का कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक किसी को कोई कैसे दोषी मान सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ से नुकसान आज जो है एक आदमी बोलिए बाढ़ से नुकसान जो हुआ है उसके लिए आपने डिमांड किया है, इंद्रे जी भी आई है, किस तरह की उम्मीद है इस बार? नहीं बिल्कुल, हम लोग उम्मीद ही नहीं अस्वस्थ है क्योंकि केंद्र सरकार ने खुद भी, हम लोग तो मांग ही रहे थे और मांगते तो पहले भी थे यूपीए की हुकूमत में भी, लेकिन मिलता कहाँ था। इस बार केंद्र की सरकार मुखातिब है, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ के प्रस्ताव दिया है और हम लोगों ने भी बात की थी, जो हमें चूंकि हम लोगों का बाढ़ प्रभावित इलाका है और पूरा प्रदेश समझिए 73% बाढ़ प्रवण यानी फ्लड प्रोन एरिया है, अभी ही देखे बाढ़ के विकराल रूप सबों ने देखा है कि जितनी नदियां नेपाल से आती हैं या इधर मध्य प्रदेश या झारखंड से आती हैं सभी नदियों में अत्यधिक पानी का जल प्रवाह आया, उस हिसाब से फिर हम लोग बाढ़ का दंश झेलते हैं, उसमें भी हम लोगों ने बात की है और केंद्र ने मदद करने का भरोसा दिलाया है और हम लोग पूर्ण आश्वस्त इस डबल इंजन की सरकार में जो हमें जो हानि होती है जो क्षति होता है उसके अनुरूप उसको फिर से विकास के पटरी पे लाने में सहायता केंद्र से मिलेगी। सर, मुख्यमंत्री विपक्ष की है कि हाथ जोड़ने वाले मुख्यमंत्री हो गए, ये हर आदमी हाथ जोड़ता है कि कोई हाथ से अगर थप्पड़े चलाना चाहते हैं तो वो चला ले, हमें कहां इतराज है। मुख्यमंत्री तो जनता के प्रतिनिधि हैं, लाखों मतदाताओं और जनता का विश्वास उनके साथ है, अगर वो किसी के सामने जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ना तो विनम्र राजनीतिक और नेता की पहचान है,
कोई अपने हाथ का इस्तेमाल किसी को थप्पड़ मारने में करना चाहते हैं तो करें, हम लोग किसी को रोकने तो नहीं गए।